Good afternoon to all of you. My name is Mustafa Rahat, and I am coming from RV Northland Institute of Management in Greater Noida, Dadri. तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि एक तो मैं जस्ट अभी का आपको इंसिडेंट बताता हूँ, इम्पैक्ट बताता हूँ जो मेरी वर्कशॉप पे भी हुआ है कि मैं बहुत ज़्यादा पेशेंस नहीं रखता था किसी चीज़ में. लेकिन मैंने पहले भी बताया था कि अभी मैं वेट कर रहा था यहाँ पर, लेकिन मैं पेशेंसली खड़ा रहा और ये मैंने सीख लिया है. वरना मैं पहले अगर इतनी देर वेट करता था और कोई बोलता रहता था तो मैं फौरन निकल के चला जाता था. क्योंकि असल मतलब रेस्पेक्ट का असली मतलब क्या होता है वो भानु सर के जरिए और इस कोर्स के जरिए मुझे पता चला. पहले हम लोग ये समझते थे कि अगर कोई बंदा डिफरेंट बैकग्राउंड से है, डिफरेंट सेक्स से है, डिफरेंट रिलीजन से है, रीजन से है, तो डिफरेंशिएशन होता था और आपस में कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट इररेस्पेक्ट में बदल जाता था. लेकिन सारा डिफरेंशिएशन मेरा खत्म हो गया है इस सब चीजों से. अब लोगों को अगर मतलब जैसे ये सर बताते थे कि भाई बड़ों का आदर करो तो बच्चों का क्या करो, तो बच्चों का भी आदर है. सबको अपने अपने हिसाब से, सबका एग्जिस्टेंस है, को एग्जिस्टेंस है, सबने अपनी अपनी वैल्यू ली है. हो सकता है कोई कॉम्पिटेंट इतना ना हो, कॉम्पिटेंसी लेवल उसका कम हो, तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसे अपने हिसाब से उसका कॉम्प्लीमेंट्री बनना है, पूरक का संपूरक करना है, तो इस हिसाब से चलना है. एक सबसे ज्यादा जो मेरे जहन में बार बार स्ट्राइक करता था, एक इकबाल का शेर था, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है. तो इसका मतलब ये हुआ कि खुदी को बुलंद, मैं पूछता भी था अपने बड़ों से ये खुदी को बुलंद करना क्या होता है, तो आज पता चला ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन जो है यही है खुदी को बुलंद करना. अगर आपने अपना आपको सेल्फ एक्सप्लोर कर लिया है तो अपना आप ही ऊपर वाला भी अगर वो है तो ऊपर वाला भी पूछेगा कि आप क्या चाहते हैं. और दूसरे इस चीज पे मैं पहुंचा कि हर एक बंदे में, हर एक व्यक्ति में कहीं ना कहीं इंसानियत छुपी होती है. नेचुरली वो कोई भी इनह्यूमिनिटी इस टाइप का कोई बिहेवियर नहीं करना चाहता और हर कोई नेचुरली मतलब नेचुरली एक्सेप्टेड चीज तो यह है कि सब जगह अच्छा हो, सब लोग खुशी से रहें. लेकिन बहुत सारी धारणाएं, ये डिफरेंशिएशन, ये धीरे धीरे आगे बढ़ के उस स्थिति पे ला देते हैं इंसान को कि फिर वो परेशान होने लगता है. और मैं इसी चीज को बहुत दिनों से कभी रिलीजन वाइज कभी रीजन वाइज इस चीज को ढूंढता रहा. लेकिन इस कार्यक्रम के जरिए ये पता चला कि आप अपने रिलीजन या जहां पर भी हैं सब कुछ रहते हुए आप एक बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं. तो नेचुरल एक्सेप्टेंस के बारे में बहुत कुछ अब जानने को मिला और ये खुदी जो है मतलब सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ये सबसे मेन चीज मुझे लगती है इस पूरे के पूरे कंटेंट की. अगर बंदा खुद को जान गया, खुद का अस्तित्व पहचान गया, वो किस लिए बना है ये पहचान गया, तो सारी ह्यूमिनिटी सबको मतलब फायदा पहुंचा सकता है. खुद को ये पहचान लिया कि नेचुरली मतलब नेचुरल एक्सेप्टेंस जो है मीन्स खुदी हर किसी की जो अंदर से अंतरात्मा आवाज निकलती है वो हर एक गलत चीज को करने से रोकती है. लेकिन चूंकि प्री कंडीशंस हैं, हमने अपने फोर फादर से और दूसरों ने अपने फोर फादर से चीजें सीखी, लेकिन जो नेचुरली एक्सेप्टेंस है अंदर से जो अंतरात्मा कहती है वो सबकी एक है. वो किसी ना किसी वजह से, प्री कंडीशंस की वजह से, दबाव की वजह से, प्रभाव की वजह से वो जो है दब गई है. कहते हैं ना कि फितरत इंसान की नहीं बदलती. एक पहाड़ इधर से इधर जा सकता है लेकिन इंसान की फितरत कभी नहीं बदल सकती. वो फितरत जो है वो यही है, सेल्फ को पहचानना और नेचुरल एक्सेप्टेंस जो है यही फितरत है. तो फितरत आदमी की बदल देता है दूसरा इंसान या और वजह से, लेकिन नेचुरली कोई भी गलत नहीं होता. उसे प्रभाव से, समाज से, पता नहीं कहां कहां से लोग गलत बना देते हैं. अब मेरा प्रोग्राम यही है कि अब मैं जाकर अपने कॉलेज में जिस वे में मैं पहले से मतलब हिम्बल तो मैं हूं, इमोशनल भी हूं, लेकिन अब एक जरिया मिल गया है उस सब चीज को वहां तक पहुंचाने का और सही तरीके से करने का. थैंक्स.